तो हे गाइस, मैं आज का नई वीडियो लेकर, और भाई आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर से जरूर वॉच करना। तो भाई चलो अब सीधा वीडियो को शुरू कर लेते हैं, और भाई मेक श्योर वीडियो करने तक देखें, क्योंकि भाई इस वाले वीडियो में जितने भी भाई मेरे कमेंट करते हैं मेरी वीडियो के नीचे, सभी को मैंने शाउट आउट दिया है। तो भाई चलो अब सीधा वीडियो को शुरू कर लेता हूँ। हे गाइस, जो हमारी फर्स्ट ट्रिक का भाई, उसमें मैं एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टिप देने वाला हूँ, जिससे कि आप भाई अपने एनिमी से बच सकते हो। तो भाई अगर आपके ऊपर आपका एनिमी गाड़ी चढ़ाने वाला है, तो आपको बस यार एक बार स्केटबोर्ड के ऊपर क्लिक करके मतलब इसे यूज़ कर लेना है। तो भाई आप काफ़ी देर अपने जो एनिमी होगा उससे बच सकते हो, क्योंकि भैया जैसे आप स्केटबोर्ड को यूज़ करते हो तो भाई बेशक सामने वाला बंदा गाड़ी चढ़ा या फिर BRDM, लेकिन भाई आपको कुछ भी नहीं होने वाला अगर आप स्केटबोर्ड को यूज़ कर लेते हो, जैसा कि आप देख ही सकते हो यार मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो भाई काफ़ी अमेजिंग टिप है, जरूर जरूर इस वाले टिप का यूज़ करना, आपके भाई काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो भाई चलो छोड़ो अभी इस वाले ट्रिक को, अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक की ओर बिना थोड़ा बहुत भी टाइम वेस्ट किए। तो भाई तो हमारी सेकेंड ट्रिक का वो वर्क करते हैं इस टाइप के हाउस में। तो भाई आपको कई बार क्या होता है भाई, आपके जो ऊपर वाले फ्लोर में बंदे कैंप करते होते हैं, अगर आपके पास स्नोबॉल है तो भाई आपको ये जो सामने की तरफ ये जो भी खड़ा यार क्या होता है इसे, आपको इसके पास बिल्कुल ही जैसे मैंने अब स्नोबॉल फेंक किया, आपको ऐसे ही फेंक देना, और भाई अब आपको स्केटबोर्ड को यूज़ करना, और भाई सिंपली से इसको सामने की तरफ लेके जाते हुए बार बार जम के ऊपर को टैप करते रहना बस यार। आप काफ़ी यार ऊपर वाले बंदों की पोजिशन को जान सकते हो, भाई काफ़ी यहाँ से पेल भी सकते हो उन वाले बंदों को, और भाई यहाँ से आप थ्रोएबल आइटम भी काफ़ी फेंक सकते हो। और भाई ये वाला ट्रिक ये नहीं है कि भाई मेरे से नहीं हो रही थी, और भाई मैंने मुश्किल से की, भाई ये वाली पहली बारी में ही हो गई थी वाली ट्रिक। और भाई इस वाली ट्रिक को मैंने 2 से 3 बार करके देखा, तो भाई काफ़ी इजली वाली ट्रिक हो जाती है। तो भाई जरूर जरूर ट्राई करना, अगर आपके पास स्नोबॉल है तो भाई काफ़ी यूजफुल हो सकता है ये वाला ट्रिक आपके लिए। हे गाइस, इस वाले ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा भाई, ये जो कंटेनर होते हैं जो ऊपर की तरफ रखे हुए हैं, आप इनके ऊपर कैसे काफ़ी जल्दी जा सकते हो। ये वाले ट्रिक भाई आज तक किसी ने बताया भी नहीं, और भाई ट्राई भी नहीं किया, और भाई इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा, मुझे पता है। आपको इसके लिए ग्रेनेड लेना, और भाई उसको लोटस पे कैसे फेंक देना, वो मेक श्योर इससे 7-8 मीटर आपको आगे जाना है। अगर भाई आप 7-8 मीटर आगे नहीं जाते हो तो भाई आपके साथ स्कैम हो सकता है, जैसे अब मेरे साथ हुआ। मेरी हेल्थ अभी बिल्कुल ही लो हो गई, क्योंकि भाई मैं उसके बिल्कुल ही पास था। तो भाई आपको ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, आपको उससे 7-8 मीटर आगे रहना है, जिससे कि भाई आपकी बिल्कुल भी हेल्थ नहीं जाएगी, जाएगी तो भाई 15-20% ही जाएगी। तो भाई जब बात करते हैं हमारी फोर्थ ट्रिक की, जो कि भाई काफ़ी ओपी है इस वाले ट्रिक में, मैं आपको इस वाले जो बॉक्स है भाई इन बॉक्स के अंदर जाना बताऊंगा भाई। काफ़ी ये जो ऊपर रखा है ना बॉक्स, इसके ऊपर इसके अंदर लेके जाऊंगा मैं आपको भाई। नीचे वाले के अंदर तो सभी जा सकते हैं, लेकिन भाई ऊपर वाले के अंदर जाने के लिए आपको एक स्पेशल चीज़ करनी है, जो कि भाई किसी को भी नहीं पता। आप इसके अंदर जा सकते हो स्नोबॉल का यूज़ करके, जैसे कि मैंने भाई बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ आपने। तो भाई आपको स्नोबॉल को लोट हाउस पर कैसे फेंकना, भाई मेक श्योर थोड़ा राइट में कर देना अपनी जॉयस्टिक। तो भाई आप इसके अंदर नहीं जाओगे फिर भी अब बस ऐसे फंस जाओगे, तो भाई अब बता दो आपको कैसे करना है अगर आप भाई फंस जाते हो, और भाई फंसोगे ही मुझे ऐसा लग रहा है। इसके लिए अगर आप इससे निकलना चाहते हो, भाई ऊपर वाले बॉक्स में जाना चाहते हो, तो आपको स्प्रिंट को लॉक करके जंप लगा देना है। तो भाई काफ़ी जल्दी आप भाई इस वाले बॉक्स के अंदर फंस जाओगे, और अब आप भाई यहाँ से जो भी बंदा बाहर की तरफ आपको दिखेगा आप उसे पेल सकते हो। और भाई मैंने ट्राई भी किया था, जो सामने की तरफ आपको दरवाज़ा दिख रहा है मैंने उसको भाई तोड़ा भी था। तो भाई जरूर से जरूर वाले ट्रिक का यूज़ करना, क्योंकि भाई ये वाली ट्रिक आपको लास्ट जोन में काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो भाई चलो अब बढ़ता हूँ हमारी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो गाइस जो हमारी अगली ट्रिक है वो वर्क कर रही है भाई, यहाँ पर आपको भाई इस वाले दरवाजे को अंदर की तरफ सिंपली से यार खोल लेना, और फिर आपको इसके पीछे बिल्कुल ही चिपक के खड़े होकर बार बार यूज़ के ऊपर आपको टैप करते रहना है, जहाँ ये जो होता है जहाँ से हम स्केटबोर्ड को यूज़ करते हैं। तो भाई आप काफ़ी इस के बिल्कुल ही छत पर आ सकते हो, ये वाली ट्रिक भाई बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। अगर भाई यहाँ पे भैया आपके ऊपर रश हो जाता है तो भाई आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो भैया आप अपने टीममेट्स को दे सकते हो। तो भैया अगले ट्रिक का वो वर्क कर रहे हैं भाई, यहाँ पर आप भैया जो सामने ट्री तरफ ये जो खड़ा है यार इसके ऊपर काफ़ी जल्दी जा सकते हो, आपके पास एक ग्रेनेड होना चाहिए और उसको भाई लोटस पे करके ऐसे फेंक देना। और भाई ये वाला ट्रिक भाई पहले भी बताई थी मैंने, लेकिन भाई वो स्टेडियम में थी, तो आप यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हो। तो भाई जरूर जरूर इस वाले ट्रिक का भी यूज़ करना। तो भाई खैर यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और भाई आपको वॉइस ओवर में बहुत ज़्यादा कमियाँ लगी होंगी, क्योंकि भाई 2 हफ्ते हो गए थे लगभग वीडियो को आए, तो भाई माफ़ करना यार बोला नहीं जा रहा मेरे से अच्छे से। तो भाई बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।